देखिए क्या कह रहा है इस प्रश्न में सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है मतलब दो समरूप त्रिभुज है एक समरूप त्रिभुज और ये दूसरा समरूप त्रिभुज लेते ठीक है ए बी सी डी ई एफ अब इससे एक माध्यिका एम खींच लेते हैं ठीक है और डी से एक माध्यिका डी एन खींच लेते हैं माध्यिका का क्या काम है कि किसी भी शीर्ष बिंदु से जब कोई रेखा खींचते हैं तो आधार को दो बराबर भागों में जो रेखा बांटती है उसे माध्यिका कहते हैं और ये डी एन भी माध्यिका है इट मीन्स ई एफ भी दो बराबर भाग में बट चुका है ई e एन बराबर एन एफ ठीक तो यहाँ लिख देते हैं माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज हैं ठीक है ठीके? जिसमें ए एम तथा डी एन क्रमशः क्या है माध्यिका है क्रमशः माध्यिका है ठीक सिद्ध क्या करना है सिद्ध करना है ये जो दोनों समरूप त्रिभुज है ना दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर है ये हमें साबित करना है एरिया ट्राइंगल एबीसी बटे बट्टे एरिया ट्राइंगल डीईएफ ए एम स्क्वायर बट्टे डी एन इसके बराबर होते हैं मतलब माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं जबकि हमारा एक थ्योरम है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं यहाँ साबित करना है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है ठीक है चलिए प्रमाण सबसे पहले त्रिभुज ए बी एम और डी ई एन को समरूप साबित कर लेते हैं तो त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज डी ई e, एन में इन दोनों त्रिभुज में इस त्रिभुज का एंगल बी और इस त्रिभुज का एंगल ई e बराबर है एंगल बी तो बी का संगत कौन होगा बीच वाले का संगत बीच वाला ई e, तो दोनों बराबर भी है क्यों इसका एक रीज़न है इसका एक रीजन ये है चूंकि त्रिभुज ए बी सी ए बी सी समरूप था किसके त्रिभुज डी ई एफ के तो तो जब ये त्रिभुज ए बी सी और डी ई e, एफ समरूप है तो ए बी सी का एंगल बी ए बी एम में भी आ रहा है और डी ई एफ का एंगल ई डी एम में भी आ रहा है तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण तो बराबर होते हैं इसीलिए एंगल बी के बराबर एंगल ई e हो गया और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि ए बी ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी बट्टा बी सी बट्टा ई एफ हाँ बिल्कुल होगा बल्कि ए सी बट्टा डी एफ भी लिख सकते हैं लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है क्यों क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती भी होती है तो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ तो समरूप है तो समरूप है तो ए बी भट्टा डी ई बराबर बी सी बट्टा ई एफ लिखा जा सकता है लेकिन ए एम क्या है माध्यिका है डी एन क्या है माध्यिका है तो माध्यिका का काम क्या है आधार को दो बराबर भाग्य बांटना तो क्या इस बी सी के नीचे बाई टू लिख सकते हैं और ई एफ के नीचे बाय लिख सकते हैं हाँ लिख सकते हैं क्योंकि अनुपात को समान संख्या से भाग देने से अनुपात में कोई समानुपात में कोई फर्क तो पड़ता नहीं है तो इट मीन्स इट मीन्स ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई मतलब बी सी का आधा तो बी सी का आधा कौन है बी एम और ई एफ 2 टू तो ई e एफ का आधा कौन है ई e एन ठीक अब क्या आ गया ए बी बट्टा डी ई बराबर बी एम बट्टा ई एन और एक चीज हम जानते हैं किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इस कोण को आंतरित करने वाली भुजाएं यदि समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं जिसे एस ए एस समरूपता के नाम से आप जानते हैं तो हम यहाँ एक एंगल बराबर भी हो गया और इस कोण को आंतरित करने वाली भुजाएं समानुपाती भी हो गई तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अतः एस ए एस समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए बी एम समरूप है त्रिभुज डी ई एन के तो इस दोनों त्रिभुज को समरूप किए क्यों परपस क्या था ताकि हम ए बी बट्टा डी ई बराबर ए एम बट्टा ए एन लिख सकें ठीक है तो इसीलिए हम कह सकते हैं ए बी बट्टा डी ई e, क्योंकि समरूप त्रिभुज की ए बी का संगत कौन होगा डी ई e होगा बराबर अगर इस त्रिभुज का ए एम लेंगे ए एम तो एम का संगत होगा टी एन ए एम बट्टे डी एन ठीक है संगत भुजाएं समानुपाती चलिए इसे इक्वेशन वन मान लेते हैं ठीक है लिखेंगे चूंकि अब आते हैं हम असली मुद्दे पर हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी का एरिया माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर है लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के ये ये चीज तो हमें प्रश्न से ही मालूम है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं इसीलिए इसीलिए हम क्या कह सकते हैं हमें मालूम है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है इसीलिए यहां पर कहा जा सकता है एरिया ट्राइंगल ए बी सी बट्टा एरिया ट्राइंगल डी ई एफ किसके बराबर होता है संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर तो ए बी स्क्वायर बट्टे डी ई स्क्वायर तो लिख सकते हैं हाँ ए बी का संगत डी ई होगा ए बी स्क्वायर बट्टे डी ई स्क्वायर लिखने को तो आप बी सी स्क्वायर बट्टे ई एफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बट्टे डी एफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं जब तीनों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है तो किसी एक भुजा के संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर तो होगा ही निश्चित तौर पे। अब समीकरण समीकरण एक से समीकरण एक से क्या हो जाएगा एरिया ट्राइंगल ए बी सी एरिया ट्राइंगल डी ई एफ बराबर ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर ए बी बटा डी ई किसके बराबर ए एम बटा डी एन के बराबर है तो फिर ए बी के बदले ए एम इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं और डीई तो डी ई है ना डी ई के बदले क्या लिख सकते हैं डी एन समीकरण एक से स्क्वायर है तो वैसे ही डाल देंगे तो क्या साबित हो गया समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत माध्यिकाओं के एम स्क्वायर डी एन स्क्वायर के बराबर होते हैं यही तो साबित करना था ठीक है